स्काईलाइन किचन में आपका स्वागत है। आज हम फिश करी बनाने जा रहे हैं। पहला प्रोसेस, हम इसमें हल्दी को बढ़िया से मिला के, अच्छी तरह से मिला के 10 मिनट ढक के रख दूंगी। उसके बाद दूसरा प्रोसेस शुरू करूंगी, सब आपको मैं दिखाते रहूंगी। पहला प्रोसेस आप देखे थे कि इसमें हम हल्दी लगा के 10 मिनट रखी थी। अब हम इसको इतना ही तेल में पूरा मछली को बनाऊंगी। सरसों का तेल आधा चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट मिला के मछली को फ्राई करूंगी। स्वादानुसार नमक, लहसुन का पेस्ट इसलिए हम दिए कि मछली में एक अलग तरह का स्मेल रहता है, वो खत्म हो जाए। सारे मछली को हम फ्राई करके काले रख लेंगे। काले से आँच फिर हम धीमी आँच में इसको फ्राई करेंगे। देखिए सारा फिश फ्राई होके तैयार है। अब आगे का प्रोसेस, मैं इसमें पंचफोरन छोटा चम्मच से आधा चम्मच हींग, दो तेजपात डाल रही हूँ। उसके बाद एक मीडियम साइज का प्याज है, एक मीडियम साइज का टमाटर है, हरिया धनिया पत्ती दो लरी, कश्मीरी मिर्च एक चम्मच, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी है, स्वादानुसार नमक, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, आई है मेरा पोस्ता दाना का पेस्ट जिसको आप खसखस बोलते हैं या पोस्ता दाना, और 3 चम्मच दही। प्याज और हरी मिर्च को ब्राउन होने तक पहले पका लूँगी। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अब टमाटर बारीक कटा हुआ, स्वादानुसार नमक, हल्दी पाउडर। अब मैं खसखस का पेस्ट लाल मिर्च पाउडर कस्तूरी मेथी सबको मिला के थोड़ा देर पकाऊंगी। अगर आपका कढ़ाई में मसाला पकड़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप पका सकते हैं। अब लास्ट प्रोसेस, अब मैं दही डाल रही हूँ। इसको तेज आंच में थोड़ा देर पका के फिर पानी डालूंगी। अब मेरा सभी मसाले बनके तैयार हैं। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, आधा ग्लास पानी। अब हम ग्रेवी को ग्रेवी में अब मैं ग्रेवी में फिश डाल रही हूँ। अच्छा टेस्ट आने के लिए 5 मिनट ग्रेवी के साथ मैं फिश को पका रही हूँ। फिश करी बन के तैयार है। अब गार्निश के लिए ऊपर से धनिया पत्ती डाल रही हूँ। देखिए फिश करी बन के तैयार है। खाइए, खिलाइए।